क्लास का राजनीति विज्ञान नियोजित विकास की राजनीति। आज हम इसके प्रश्न उत्तर के विषय को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वस्तुनिष्ठ या विकल्पी प्रश्न। पहला प्रश्न है कि योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1955, 1952, 1950 या 1960। तो उत्तर है कि साल 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। प्रश्न दूसरा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया था? कृषि पर, उद्योग पर, गरीबी पर या आत्मनिर्भरता? तो इसका उत्तर है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर बल दिया गया था। फिर प्रश्न कि योजना आयोग के स्थान पर किसकी स्थापना की गई है? राष्ट्रीय विकास परिषद, नीति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग या किसी की भी नहीं? तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई। फिर है कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई है? 2014 में, 2015, 2016 या 2017 में? तो उत्तर है कि 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई। फिर आगे प्रश्न है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री या कानून मंत्री? तो नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे प्रधानमंत्री। फिर है प्रथम पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे? तो के एन राज प्रथम पंचवर्षीय योजना के योजनाकार थे। अब आगे प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति। पहला है कि आजादी के समय उदारवादी, पूंजीवादी और समाजवादी मॉडल खाली स्थान के मॉडल थे। तो ये किसके मॉडल थे? सारे विकास के मॉडल थे। फिर है दूसरा, निजी निवेशक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के समर्थक का समर्थन करते थे। फिर है कि बॉम्बे प्लान का प्रस्ताव खालिस्तान के समूह ने प्रस्तुत किया गया था। तो बॉम्बे प्लान का प्रस्ताव व्यापारियों का जो एक समूह था उन्होंने प्रस्तुत किया। फिर है प्रश्न, मिल्कमैन ऑफ इंडिया का किसको कहते हैं? तो मिल्कमैन ऑफ इंडिया वर्गीज कुरियन को कहते हैं। वर्गीज कुरियन को मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। फिर है HYB उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की एक किस्म का नाम है। फिर है आगे का प्रश्न कि हरित क्रांति में मुख्य रूप से गेहूं की फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई। फिर खालिस्तान राज्य में साक्षरता शत प्रतिशत है कहां पर? केरल राज्य में साक्षरता शत प्रतिशत है। फिर विश्व बैंक के प्रभाव में आकर भारत ने उदारीकरण की नीति अपनाई। उदारीकरण की नीति अपनाई। फिर योजना आयोग की स्थापना खालिस्तान के प्रस्ताव से हुई। योजना आयोग की स्थापना संसद के प्रस्ताव से हुई।
बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। अब हम पढ़ेंगे इसमें आगे, सही जोड़ियां बनाइए। तो सबसे पहले है प्रथम पंचवर्षीय योजना, ये है इससे संबंधित है इंदिरा गांधी। फिर है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, उद्योगों पर बल दिया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। फिर है तीसरा कि राज्यों को नियोजन से संबद्ध करने हेतु राष्ट्रीय विकास परिषद बनाया गया। फिर है कि उदारीकरण से राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। फिर मुद्रा स्फीति बढ़ने से आर्थिक संकट गहराता है। स्वामीनाथन का संबंध हरित क्रांति से है। गरीबी हटाओ का संबंध है ये इंदिरा गांधी से। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का है कृषि पर बल दिया गया। साम्यवादी अर्थव्यवस्था में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, राज्य की भूमिका इसमें सीमित होती है। फिर से मिलाए, प्रथम पंचवर्षीय योजना है कृषि पर बल दिया गया, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का है उद्योगों पर बल दिया गया, राज्यों को नियोजन से संबद्ध करने हेतु राष्ट्रीय विकास परिषद को की स्थापना की गई। फिर उदारीकरण से राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण, ये निजी क्षेत्रों का विकास हुआ। पांचवा ने मुद्रा स्फीति बढ़ाने से आर्थिक संकट गहराता है। स्वामीनाथन का संबंध हरित क्रांति से है। गरीबी हटाओ का संबंध इंदिरा गांधी से है। साम्यवादी अर्थव्यवस्था में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका सीमित होती है। अब हम देखेंगे आगे इसमें एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो योजना आयोग किस तरह का निकाय है? तो योजना आयोग परामर्श दात्री या परामर्श देने वाला आयोग है। नियोजित विकास से तात्पर्य है योजनाबद्ध तरीके से किया गया विकास। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई थी। उस समय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रथम पंचवर्षीय योजना के योजनाकार थे के एन राज। प्रथम पंचवर्षीय योजना के योजनाकार थे के एन राज। किस पंचवर्षीय योजना के बाद पंचवर्षीय योजना के स्थान पर एक वर्षीय योजना लाई गई थी?
तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद पहले पंचवर्षीय योजना को लाया गया। हरित क्रांति किस क्षेत्र से है? हरित क्रांति का संबंध कृषि से है, कृषि क्षेत्र से है। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। किस प्रधानमंत्री ने नवीन आर्थिक नीति का सूत्रपात किया था? तो पीवी नरसिम्हा राव ने नई आर्थिक नीति का सूत्रपात किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नियोजित कार्य के लिए किस देश से प्रेरणा ली थी? तो सोवियत संघ से पंडित नेहरू ने नियोजित कार्य के लिए प्रेरणा ली थी। भारत में उदारीकरण की नीति कब अपनाई गई? सन 1991 में भारत ने उदारीकरण की नीति अपनाई। अब आगे सत्य और असत्य लिखिए। नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर की गई सही है। नीति आयोग के अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है या सत्य है। भारत में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है यह भी असत्य है। बॉम्बे प्लान का संबंध नियोजन से है सही। 1960 के दशक में बिहार में खाद्यान्न संकट सबसे विकराल था सत्य है। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है यह भी सही है। इंदिरा गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया था सही है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि पर बल दिया गया सत्य है। उड़ीसा में कोस्मो प्लांट में विरोध प्रदर्शन किया गया था यह असत्य है। और श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है यह सत्य है। अब आगे पढ़ेंगे इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न। नियोजन क्या है? तो नियोजन को पूर्व दृष्टि भविष्य को प्रगतिशील बनाने के लिए क्या कार्य करना चाहिए? किसी भी कार्य को करने के पहले कुछ विचार विमर्श किया जाता है कि यह कार्य कैसे करें और अगर शुरू करेंगे तो कितने समय में यह पूरा होगा। इस दूरदृष्टि के साथ आगे की ओर देखते हुए योजना तैयार करना है। तो नियोजन को पूर्व दृष्टि भविष्य को प्रगतिशील बनाने के लिए क्या कार्य किया जाना है, कैसे करना है, कितने समय में पूरा होगा, इस दूरदृष्टि को आगे की ओर देखते हुए योजना तैयार करना ही नियोजन कहलाता है। योजना आयोग के गठन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। स्वतंत्रता के उपरांत भारतीय संविधान में वर्णित लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने 15 मार्च 1950 को योजना आयोग के गठन की घोषणा की। कब करी थी? 15 मार्च 1950 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने योजना आयोग की घोषणा की थी। और आयोग का जो पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री रहेंगे और 5 मनोनीत सदस्य स्थापना के समय रखे गए। हालांकि इन सदस्यों के लिए कोई निर्धारित योग्यता का आधार नहीं था, पर ये सभी सदस्य प्रसिद्ध अर्थशास्त्री होते हैं। मनोनी सदस्यों का कोई निश्चित न्यूनतम कार्यकाल भी नहीं रखा गया है। अब इसी में प्रश्न है, राजनीति में वामपंथी और दक्षिणपंथी से क्या तात्पर्य है? जब विभिन्न देशों की राजनीति की बात होती है, जब विभिन्न देशों की राजनीति की बात होती है, तब वहाँ
राजनीति दल और समूहों का हवाला दिया जाता है, उनके विषय में बताया जाता है कि इस पार्टी या इस और वामपंथ शब्द में से किसी राजनीतिक दल या समूह के विषय में यह प्रकट होता है कि सामाजिक बदलाव को लेकर वह कौन सा पक्ष लेता है। आर्थिक पुनर्वितरण में राज्य की भूमिका के बारे में उसकी क्या राय है। वामपंथ से अमूलन उन लोगों की तरफ इशारा किया जाता है जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह की तरफ पारी करते हैं और इस वर्गों को फायदा पहुंचाने वाली सरकारी नीतियों का समर्थन करते हैं। परंतु दक्षिण पंथ से उन लोगों को इंगित किया जाता है जो यह मानते हैं कि खुली प्रतिस्पर्धा बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के जरिए ही प्रगति हो सकती है, यानी सरकार को अर्थव्यवस्था में गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यह प्रश्न पहली पंचवर्षीय योजना में किस बात पर जोर दिया गया? तो पहले पंचवर्षीय योजना में कृषि और सामुदायिक विकास पर अत्यधिक बल या जोर दिया गया। फिर है हरित क्रांति क्या है? खाद्यान्न संकट की स्थिति से निपटने हेतु सरकार ने खाद्यान्न सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कृषि की एक नई नीति अपनाई और इसके कारण कृषि स्वरूप कृषि के क्षेत्र में बहुत अधिक प्रगति और उन्नति हुई, जिसे हरित क्रांति कहा गया। इस नीति में कृषि में परंपरागत तरीकों के स्थान पर आधुनिक तरीकों का उपयोग किया जाने लगा, जैसे हल के स्थान पर ट्रैक्टर, नहरों व नलकूपों से सिंचाई, रासायनिक खाद का प्रयोग, उन्नत किस्म के बीज आदि का प्रयोग। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति में विश्व में जनक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। उन्हें कृषि क्षेत्र में इस कार्य के लिए 1970 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया और भारत में हरित क्रांति प्रारंभ करने का श्रेय M.S. स्वामीनाथन को दिया जाता है। अब है प्रश्न लिखी, विकास के नाम पर राजनीतिक टकराव क्या है? विकास के नाम पर राजनीतिक टकराव क्या है? स्वतंत्रता के बाद भारत में कई समूहों के बीच विकास की रणनीति को लेकर कुछ चर्चाएं गर्म थी। कुछ लोग निजी क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए विकास करना चाहते थे तो कुछ लोग सार्वजनिक क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए विकास चाहते थे, लेकिन सभी इस बात को लेकर सहमत थे कि आर्थिक विकास का दायित्व तो सरकार का ही होना चाहिए। फिर प्रश्न के विकास के समाजवादी व पूंजीवादी मॉडलों के बीच क्या अंतर है और भारत ने किस तरह के मॉडल को अपनाया है? उत्तर है, जिस समय भारत आजाद हुआ उस समय दुनिया में विकास के दो ही मॉडल प्रचलित थे, उदारवादी पूंजीवादी मॉडल और समाजवादी। उदार पूंजीवादी मॉडल संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों में लागू था, जिसके तहत मुक्त व्यापार और प्रतिस्पर्धा को प्राथमिकता दी गई। वहीं दूसरी ओर से समाजवादी मॉडल सोवियत संघ में लागू था, वहां पर अर्थव्यवस्था के प्रत्येक अंग पर राज्य का नियंत्रण था।